लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सॉल्वेबिलिटी में, इसके बाद हम एप्लीकेशंस टुवर्ड प्रॉब्लम करेंगे। आपको बोला जाता है, ये भी सीबीएसई 2001 में आया हुआ है, आपको बोला जाता है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशंस। तो 3k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा है आपका k स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 2 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम हैव नो सॉल्यूशंस। k की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन ना हो, यानी कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो, यानी कि आपको केस लगाना है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ओके, चलिए निकालते हैं a1 अपॉन a2। a1 की वैल्यू क्या है, यानी कि x का कोफिशिएंट, दैट इज 3k प्लस 1 ओवर a2, यानी कि x का कोफिशिएंट, दैट इज k स्क्वायर प्लस 1। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। b1 कितना है यहाँ, 3, और b2 कितना है यहाँ, k माइनस 2। यहाँ साइन का ध्यान रखना है, प्लस का अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस k माइनस 2 लिखते, लेकिन अभी प्लस है इसलिए सिर्फ लिखेंगे k माइनस 2। ओके, इज इक्वल्स टू, इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, यानी कि माइनस 2 अपॉन माइनस 5। माइनस से माइनस हट जाएगा। अब सुनिए, यहां से एक बार k की वैल्यू निकाल के लाइए और रुकिए मत, जो k की वैल्यू आए उठा के यहां पे रखना, उसको सेटिस्फाई भी करनी चाहिए। तो इस पेयर से पहले मैं k की वैल्यू निकालता हूं, लिख लेते हैं इसको 3k प्लस 1 ओवर k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k माइनस 2। ये पूरा इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3k प्लस 1 इनटू k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू, इसको ब्रैकेट में रखो, 3 इंटू इन द ब्रैकेट k स्क्वायर प्लस 1। ओके, सॉल्व करते हैं, 3k इंटू k क्या हो जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3k इंटू 2 6k प्लस 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 1 इंटू k इज k प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 2 इज 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू k स्क्वायर इज 3k स्क्वायर प्लस 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 3 इंटू 1 इज 3। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करें, अगर हम 3k स्क्वायर, इसको देखिए माइनस 6k प्लस k माइनस 5k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3। देखिए 3k स्क्वायर इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, यानी कि अगर मैं इसको उठा के लेफ्ट में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3k स्क्वायर। देखिए मान लीजिए मैं इसको लेफ्ट में लाता हूं तो माइनस 3k स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि प्लस का इधर इज इक्वल्स टू 3, 3k स्क्वायर से 3k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका माइनस 5k, और इस माइनस 2 को राइट में भेजोगे तो 3 प्लस 2, तो माइनस 5k इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 कितना होता है 5, फिर माइनस 5 से लेफ्ट में भी डिवाइड लगा दो, माइनस 5 से राइट में भी, ये माइनस 5 से माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 बचेगा, k का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 1। अब ध्यान दीजिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, आंसर नहीं देना अभी ना, जो k की वैल्यू आई है उसको इसमें रख के चेक करिए कि वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, यानी कि दूसरा रिलेशन जो है 3 अपॉन k माइनस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2 अपॉन 5 आना चाहिए, कब, जब k कितना रखें, माइनस 1। चलिए रख के देखते हैं, LHS निकालते हैं, LHS इसका निकालते हैं, तो 3 अपॉन k की जगह कितना रखोगे, माइनस 1, k की जगह माइनस 1, और ये माइनस 2 ऐसे ही लिखोगे, तो आ गया 3 अपॉन माइनस 3, 3 अपॉन माइनस 3। ओके, कुछ गड़बड़ हमने करी है शायद, 3 अपॉन k माइनस 2, ओके 3 अपॉन k की जगह कितना रखेंगे, माइनस, हाँ ओके, ठीक है ठीक है, ये माइनस कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, नीचे की जगह आप ऊपर भी लगा सकते हैं, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, माइनस 1, ठीक है ना। तो LHS कितना आ गया आपका, माइनस 1, ध्यान दीजिए LHS कितना आ गया, माइनस 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस 1, विच इज श्योरली नॉट इक्वल टू 2/5। ओके, यानी कि जब जो k इज इक्वल टू माइनस 1 आया है उसको जब मैंने इस रिलेशन में रखा तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है,
यानी कि k इज इक्वल टू माइनस वन ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है. तो क्या लिखेंगे, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन फॉर k इज इक्वल टू माइनस वन. इसके बाद हम एप्लीकेशन टू वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे.